अब हम मिलते हैं इनसे और इनके पिताजी हैं, अपना नाम बतलाएंगे। अपन मेरा नाम आशुतोष वर्मा, आशुतोष शर्मा है, इनका नाम वर्मा, आशुतोष वर्मा है, इनका नाम आशुतोष वर्मा हुआ। और आप कितना मार्क्स प्राप्त किए हैं? मेरा 440 नंबर, 440 मार्क्स है। आप कहाँ पढ़ते थे? हम यहाँ अष्टम क्लासेस में पढ़ते थे। अष्टम क्लासेस में पढ़ते थे। आप देख सकते हैं इस गांव में, इस ग्रामीण क्षेत्रों में इतना सारा मार्क्स प्राप्त किए हैं। इनके पिताजी हैं, देखिए कितना अभी भी मेहनत कर रहे हैं। अभी तुरंत काम पर थे और जैसे ही हम लोग आए तो काम छोड़ करके यहाँ आए हैं। और इनके बच्चे हैं, देखिए कितना मेहनत काम करते हैं और पढ़ाते हैं। इसके भी जो विद्यार्थी हैं ये पढ़ते हैं और थोड़ा बहुत काम भी घर पे करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं और पढ़ते भी हैं और ग्रामीण क्षेत्र में इतना सारा मार्क्स प्राप्त किए हैं। और मैं इनसे, इनके जो पिताजी हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि आपके जो बच्चे इतना मार्क्स प्राप्त किए हैं, आप इन, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही लगेगा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रह करके इतना मार्क्स लाना कोई साधारण बात नहीं है। ये कोई शहर में पढ़ करके नहीं, जैसे राजस्थान के कोटा में इस तरीके से पढ़ करके तो बहुत सारे लोग ला देता है और बहुत सारे लोग नहीं भी लाते हैं। लेकिन यहाँ पढ़ कर सुविधा भी उतना नहीं है यहाँ पे, कहाँ सुविधा, ना ही सुविधा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं विद्यार्थी। लेकिन मेहनत का जुनून रहेगा ना तो आप कहीं भी रहिएगा ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करते हैं। इनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि हम घर पर भी रह करके, ग्रामीण इलाकों में भी रह करके हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, रख के भी बहुत सही चलता है।